नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश भर में अव्वल जिला हमीरपुर में मुख्यालय पर स्थित आईटीआई संस्थान में पढ़ाई की बजाय करवाई जा रही मजदूरी। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक आईटीआई के छात्रों से मजदूरों की तरह लिया जा रहा काम। नशे के विरुद्ध एनएसयूआई ने ड्रग्स फ्री हमीरपुर अभियान किया शुरू। अभियान के अंतर्गत एनएसयूआई पूरे जिले में 100 के करीब शिक्षण संस्थानों में छात्रों को करेगी जागरूक। हमीरपुर शहर से हजारों टन कूड़े को नगर परिषद के कूड़ा सेंटर बजूरी में इस्तेमाल किए जाने की बजाय कूड़े को जलाया जा रहा खुले में। आसपास के गांवों के लोगों का जीवन बना है नरक। जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी समस्या हल नहीं होने से अब पीएम मोदी के साथ साथ एनजीटी को भी शिकायत लिखने के लिए ग्रामीणों ने बनाया मन। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर पहला जिला बनेगा जो कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा दी गई राशि को पूर्ण रूप से खर्च करेगा, कहा जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने।